अब हम लोग घूमते घूमते पहुंच चुके हैं दीदी के घर के पास। और ये देखिए गाइस, दीदी ने पहुंच चुके हैं मंदिर। जय माता दी, जय माता दी। तुम हमारे ब्लॉग की वो आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। गाइस आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं शाम से, क्योंकि आज थोड़ा स्वास्थ्य खराब चल रहा था। और अभी हमारा वॉकिंग का समय हो रहा है और यहाँ पर देखिए बच्चे खेल रहे हैं पिट्टू। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं पिट्टू। बचपन में हम भी बहुत खेलते थे गाइस। ये दोबारा से बचपन की यादें हो रही हैं ताजी। और ये आया नीरू का गेम। ऐसे क्या खेल रहे हो यार, ऐसे थोड़ी खेलते हैं। मारने के बाद भाग जाते हैं, फिर उससे बॉल से मारते हैं ना उसको। अबे इससे इससे जाते हैं, पाँव में लगा दी। ऐसे थोड़ी करते हैं जैसे आप कर रहे हो, ऐसे खेलते हो अब। हम लोग तो ऐसे खेलते। लो मैं बताऊँ हम लोग कैसे खेलते थे। कैमरा के सामने एक्स्ट्रा बॉल दिखा रहा था। हाँ वही मुझे भी लगा, कैमरा के सामने दिखा रहा है ना बना। सो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं। आज कहाँ जा रहे हो भाभी? हम जा रहे हैं दुकान टू मंडी। दुकान क्यों जा रहे हो? बूंदी लेने। किसकी बूंदी? लड्डू की। नहीं नहीं सॉरी, तो बोल दी मैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार भाभी। कल भाभी की तबीयत खराब हुई थी गाइस। देखिए हम लोगों को इतना प्यार है कि कल इनकी तबीयत खराब हुई थी और आज मेरी तबीयत खराब हुई ना। हम जा रहे हैं बूंदी के लड्डू लेने और हनुमान जी को भोग लगाने जाएंगे। भाभी भाभी ने कल एक सपना देखा था, इस आपके संग शेयर करते हैं। करो अंकल प्रणाम। क्यों? माता रानी और हमारे दिल की बात है ना। अच्छा जोर से तो बोलो, तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आ रही। मैं कह रही माता रानी और हमारे दिल की बात है तो हमारे दिल तक ही रहनी चाहिए सीमित, तो मेरा ये मानना है। हाँ ये भी ठीक है, सही कह रहे हो। जब मुझे लगेगा कि बता देना चाहिए तो मैं बता दूँगी। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें हमको कि आप बताएं या नहीं बताएं करके। लोग हमारा चैनल ही नहीं देख रहे हैं और वो हमें कमेंट करेंगे। इतना कष्ट ना करिएगा गाइस, इतना कष्ट आपको सही नहीं लगेगा। मेरा एक काम कर दो भाभी। मैं ये खाओगे? वेलकम। चबाओ मेरी तरह। अभी खुला ही नहीं है। मुझे लगा कि भाभी सोचती होंगी अपना तो रोज़ खाती है, मेरे को नहीं देती। तो तुम हॉस्टल में सोचा करो, इतना हक नहीं मानते मेरे पे। तुम्हारी ऐसी आदत नहीं है फिर कैसे मत छुपाई करने। अरे मेरे सर में बहुत दर्द होता है ना, एक डॉक्टर ने बोला है मेरे से। तुम जब आया करो, एक साइड से होता ना मेरे इधर बीपी की प्रॉब्लम है ना, उसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि मैडम जा रहे हैं। हाँ इधर सामान लेके आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? बनाने तो नहीं लग गए। कहाँ से आ रहे हो? ऐसे मत करो, बाजार से ले आ रही हूँ। ऐसा ही करना है आपके साथ। नहीं नहीं इनकी बनाओ ये। बाय बाय। चलो यार जल्दी करो। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। गाइस आज देखिए मौसम, आज का मौसम मौसम सुहावना है और बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। मैं रोज़ ही आपसे बोलती हूँ कि बारिश होने वाली है लेकिन बारिश हो नहीं रही। तो गाइस अब हम लोग घूमते घूमते पहुँच चुके हैं दीदी के घर के पास। और ये देखिए गाइस, दीदी ने कितने बढ़िया फूल लगा रखे हैं डिब्बों में, जो वेस्ट डिब्बे होते हैं और उनमें इतना अच्छा यूज़ किया है उन्होंने। ये देखिए सारे फूलों से भरा हुआ है इनका घर। ये देखिए गाइस,
ये दीदी ने नहीं, जीजा जी ने ज़्यादा मेहनत की है इनमें। ये देखिए पूरे छत में भी गाइस 100 गमले तो होंगे होंगे। ये देखिए अंदर भी सब, ये बाहर से बाउंड्री वॉल दिखा रही हूँ आपको, कितना सुंदर बोला। पहले से हम फूल देने के लिए तोड़ते थे उसको, पता है इन दिनों होता है ना ये, इसके बारे में पहले ये जैसे है ना, ये आजकल होता है ना ये, इसके बारे में ये फूल को तोड़ने के लिए हम जाते थे, पता है वहाँ इसको हम फिर फूल देने के लिए शाम को, और गेहूं के उसकी एक टोकरी होती थी उसमें रखते थे, और उसको इतनी जल्दी उठते रात में हमको नींद भी नहीं आती थी, तो फिर हम कर दी थी। देखिए गाइस इधर भी सब फूल फूल, ये देखिए आप देख सकते हैं छत से लेकर यहाँ तक सारे फूलों से भरा हुआ है। अभी मुझे मंदिर जाना है इसलिए मैं छत में नहीं जा रही हूँ गाइस, अब मैं छत में भी आपको दिखाऊंगी। इधर बैठे हैं जीजा जी और मार रहे हैं गप अपने दोस्तों के साथ, देख ही नहीं रहा। जिया जी दिया जी, जिया जी जिया जी के आगे से कोई जा रहा है उनको देख रहे हैं। जिया जी तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। जय माता दी, जय सियाराम, जय सियाराम। आज मैं आपके ब्लॉग में नहीं आऊंगी, क्यों 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 यार, तुम तो खुद ही ऐसा बोलती हो, देखो आपको पता ही है मेरे तो हाथ में ही रहता है फोन और दो दो ब्लॉगर साथ में, दो दो ब्लॉगर, तुम्हारी वजह से हमारा ब्लॉग इतना अच्छा जा रहा है। तुम हमारे ब्लॉग की वो हो शोभा, और कह रही हम नहीं आएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है बताइए। सफेद बाल दिखाओ मेरे, मुझे गाइस को दिखा तक नहीं, कितने कमेंट आ गए, कहाँ हैं सफेद बाल इतनी सुंदर, कितने कमेंट आए मेरे मेरे को क्यों नहीं दिखे, मुझे क्यों नहीं दिखे कमेंट, अच्छा वो भी आ गई आते हैं वो हाइड कर देती हूँ उनको, ओ कमेंट को ना लोगों के आते हैं। ये जय माता दी वाली ब्लॉगर है क्या? ओ माय गॉड, आप तो बहुत फेमस हैं, मैं बिग फैन, बिग फैन सही है। ओ थैंक यू थैंक यू, ऑटोग्राफ प्लीज। अरे मैं भी नहीं बोली, मैं ऑटोग्राफ के बदले काम कर दो थोड़ा। क्या काम कर रहे हैं बताइए? कुछ नहीं है, तू मुस्टू दानी मैं जला दी, तू दिए मैं जला देती हूं। ये ला कितने दिए दिखाओ आपके, ये हैं ये पूरे, अभी धूप बन रही है। तेरा वो अच्छा लगा यार मुझे, क्या बोलते हैं कंप्लीट है वो, उसमें तो वो लिखा ही नहीं जो हमने बोला था, लिखना ही आता, मैं वही पूछ रही थी, मुझे नहीं पता। दिशु ने और अच्छे से कर दिया, पता वो दिशु ने तो स्टेटस लगा दिया उसका, उसने सही किया है, उसने नीचे से लिखा है कि आप कुछ लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, मैंने दिशु ही हुआ इतना दिमागदार, मैंने कहा था जिसको जब जो एडिट करना करो, फिर अब उसने दिशु तो काफी इंटेलिजेंट है ना, मैं ही देखती हूँ देखेगा ना वो आपका नहीं 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 ब्लॉग तो वो देखता ही है, वो देखता है, वो चाहे रात में फोन लगा दे, फोन ठीक है मैं भी कल से देखूँ या ना देखूँ मैं रिएक्ट कर दूंगी, ना 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 देखने के बाद रिएक्ट करना, वो आता है अलग ही पहचानी जाती है, मैं तो फिर पूछ भी लेती हूँ बताओ क्या था इसमें, आप टॉर्च मार दो मेरे मुंह में, अरे टॉर्च कैसे चल गई, सुनो दिशु ऐसा है ना, दिशु 12 बजे भी चुप चुप
तू मत पढ़, तुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती, तू मत पढ़ है, लिखा है। उसने दीसू ऐसा है कि 12 बजे रात भी पढ़ेगा तो देखेगा तो मेरा मैसेज देख लेता है यार। पैरों में छू के करते हैं प्रणाम, ये भी संस्कार नहीं दिए ताऊजी प्रणाम, कुछ संस्कार नहीं दिए कह रही, कुछ संस्कार नहीं दिए मेरी माँ, कोई संस्कार नहीं दिया मेरी माँ ने, इतनी बड़ी बना दिया मेरे को, पाल पोल करके स्कूल पढ़ा रहे हो, कर रहे हैं सब कुछ, वही तो ताऊ जी ऐसे ही कह देते हैं ताऊ जी, ये लोग हाँ अपने आप आ जाएंगे संस्कार। ताई जी कहाँ हैं आज, पैरों में गो भाभी संस्कार, जल्दी करो लेट हो गए तुम लोग, क्या मैं दिया जलाऊं, ये खाली क्यों रखे, सारा धूप एक साथ जला लो, ये क्यों ये खाली क्यों रखे मुझे बता दे, ये तुम मत करो, तुम बताओ क्या करो, वो पानी के साथ भूख लगाने हेल्प कर, मैं अब लगा दो, मैं इसमें लगा दूं, जल्दी लगाओ, दिए नहीं जलाऊं, दिए मैं जला देती हूं, ये एक ही जलाने में, देखो लगा दो, जाओ पांच जला के रख दो, ना ना यार मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पाऊंगी आज, बस हो गया, हमसे ना हो पाएगा, कल और कर देना इसके पर, मैं छोले उसमें रख देती हूं डिब्बे में, तो लगा मेरे पैर में कितना दर्द होती है पता नहीं है, बंद कर दो इतना थोड़ा एडिट करो। तो गाइस आज हम अंदर ही आ गए, अब दीदी दिख गई थी हमको, दीदी ने दिया भी जला लिया है, और ये देखिए अंदर भी इतना बढ़िया कर रखा है इन्होंने, यहाँ भी सब फूल वूल लगा के इतना अच्छा कर रखा गाइस, ये देखिए, ये देखिए ऊपर भी इनके, देखिए दोनों तरफ से गाइस यहाँ भी फूल है, ये देखिए ये सब फूलों से भरा है, ये देखिए गाइस सब जगह फूलों से, ये पूरे गाइस पता नहीं कितने फूल हैं, छत में भी इतने फूल हैं गाइस, ये सब जिया जी जब ऑफिस से आते हैं उसके बाद इन मैं सारा काम करते हैं, फिर पानी वानी गुड़ाई उड़ाई का सारा काम, वैसे तो इन्होंने माली भी रखा हुआ है, माली लेकिन कभी कभी आने वाला हुआ उसके हिसाब से फिर यही करते हैं, और ये देखिए गाइस ये मनी प्लांट, ये वीडियो बना रहे हैं, ये देखिए गाइस ये मनी प्लांट है, और ये देखिए पूरा पोर्च में पूरा जाल बना के इन्होंने ऐसे ही फैला रखा है, और ये देखिए गाइस ये मनी प्लांट, ये देखिए आप तुम्हारे मनी प्लांट को इतनी सुंदर तरीके से इन्होंने पूरा उसका जाल बिछा रखा है मनी प्लांट का, और ये देखिए गाइस ये ऐसे है, और ये दीदी के दिए जल चुके हैं, और ये देखिए ये सब देखिए गाइस कितने, ये देखिए गाइस ये सब फूल, सोचिए गाइस कितना मेहनत लगती होगी इन सबको वो करने में, देखिए फूल फूल कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरा ऐसा लग रहा है ये जैसे सीता माता कहाँ रहती थी वाटिका में, वाटिका ये हमारी दीदी की है वाटिका, आज का नाम भी यही होगा वाटिका, सो गाइज ये है दीदी का मंदिर, ये देखिए दीदी और जीजा जी ने कितने अच्छे तरीके से भगवान जी को सजा रखा, नवरात्रि के लिए पूरा सजा दिया, और इन्होंने सारी देवियों को भी सजा दिया नवरात्रि के लिए, और नवरात्रि में इनकी नौ देवियां सज चुकी हैं, और पूरा मंदिर उठा के दोबारा से सजा दिया है, और ये देखिए आप और हाँ गाइज एक अति आवश्यक सूचना जो आपको बतानी थी कि हमारे मंदिर बक्तेश्वर में
17 तारीख को नवमी के दिन रात 9 बजे से जागरण या माता की चौकी में से एक होगा, इसलिए आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, कृपया जरूर आइएगा। इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं गाइस, बाय बाय।